सो गाइज, आज है थर्सडे और मैं थर्सडे को व्लॉग अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है लक्ष्मी काम करके जा चुकी है और मैंने अपनी चाय बना ली, दिया के लिए दूध बना लिया, इसके पापा के लिए भी दूध बना लिया है। और मॉर्निंग में मैं जो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ वो भी मैं अपना ले रही हूँ। और कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, ये देखिए कान्हा जी, मैंने कान्हा जी को नहला दिया है। देन उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने जो है ब्रेकफास्ट और साथ में ही खाना बना रही थी मैं, तो मैंने सब्जी जो है ना बना ली थी, मतलब मैंने आज शिमला मिर्च बनाए थे आलू में भरकर। और देन उसके बाद मैंने आलू के परांठे बनाए थे। इसके पापा क्या है, आलू के परांठे नहीं खाते हैं, तो मैं बहुत दिन बाद आलू के परांठे बना रही हूँ। तो फिर इसके पापा ने बोला कि आलू के अंदर प्याज डालना, तो प्याज ना देर हो रही थी मेरे को, तो मैंने ऐसे मोटा मोटा कट करके ऐसे प्याज उसी मसाले में डाल दिया। और मसाले को ना मैंने आलू वाले मसाले को भून लिया था, क्योंकि जो मसाला मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी के लिए बनाया था ना, बस वही मसाला मैंने आलू परांठे में यूज़ कर लिया, क्योंकि अच्छा भी होता है और भुना हुआ मसाले के परांठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप भी भूनकर। और भूनने में बस मैंने कुछ नहीं डाला था, तेल, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च और उसके बाद आलू डाल दिया था, उसको अच्छे से भून लिया था 2-3 मिनट के लिए। देन उसके बाद मैंने उसको शिमला मिर्च में भर दिया और फिर उसी के परांठे मैं बना रही हूँ। तो परांठे बहुत टेस्टी बनते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा परांठे नहीं बना रही हूँ, हम लोग बस एक एक टेढ़े परांठे ही खाएंगे, तो 3-4 परांठे ही बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो एक दो परांठे मैं बना चुकी थी, तो उसके बाद मैं आपको, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट किया था, मैंने सोचा दिखा देती हूँ, पहले मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, तो बाद में मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पर 2-3 परांठे बना रही हूँ और आलू के परांठे बनाना वैसे कुछ इतना हार्ड काम नहीं है। और उसके बाद दिया को भी मैं खिला दूँगी, आलू का पराठा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग से मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आज दिया की छुट्टी, तो आराम से मैं नहाऊँगी, थोड़ी जो डस्टिंग भी की थी मैंने मॉर्निंग में। सो अभी मैं बस जा रही हूँ उसके पापा को परांठा देने के लिए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू देयर चैनल, मैं हूँ पूनम। आज है थर्सडे, ब्लॉग तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुका है, बट अभी टाइम मिला मुझे आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज दिया की छुट्टी थी। मैम आज बीमार होगी, शायद हॉस्पिटल जाना था तो आज छुट्टी कर ली, तो आज की क्लास सैटरडे को होगी इसकी। तो आज थोड़े से काम किए मैंने, खाना वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो इतने बजे दिया को ड्राइंग करने के लिए गया। दिया ने देखो क्या ड्राइंग किया है यहाँ पे, तो दिया ने बनाया है हाउस, नहीं हाउस नहीं, कार, ये गाय, ये सन, ये मिक्की माउस, ये हाउस। अब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है ये घर है, ये कार है, ये दिया है, ये सन है, ये घास लगी हुई है, और ये घर के पीछे एक ट्री है, ट्री का हाउस है, मतलब ये लगता है। कब से कह रही हूँ मैंने मम्मा पेंटिंग बनाई है, मेरी पेंटिंग देखो, टाइम ही नहीं मिल रहा था सुबह से, सो अभी फ्री होके आई। देखो मैं लिखाती हूँ, दोनों मुझे देखो, मैं आपको बता के देखती हूँ, ठीक है रखो फिर, कैसे देखो ऐसे अच्छा लग रहा है, आप देखो आप। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम दोनों अभी नहाए हैं, लगभग अभी टाइम होने वाला है, 2 बजने वाले हैं, अभी नहा चुके हैं, खाना बना चुकी हूँ, बस अब हम लोग खा लेंगे। ब्रेकफास्ट भी किया था हमने सुबह, आलू और प्याज के परांठे खाए थे, और बस अभी खाना खा लेंगे और देन राउंड पे जाएंगे, फिर मैं ब्लॉग एडिट करूँगी। आज ये लेट से उठी थी तो इसको आज नहीं सुलाऊंगी, तो पहले मैं इसको आज पढ़ाना है मेरे को, तो मैं खाना खाने के बाद, राउंड लगाने के बाद इसको पढ़ाऊंगी, सुलाऊंगी नहीं, क्योंकि शाम में इसको ट्यूशन का टाइम हो जाता है, जल्दी ट्यूशन भेज दूंगी, रात को जल्दी सुला दूंगी, ताकि कल क्या है फ्राइडे है, तो कल मैं इसको जल्दी उठा के मॉर्निंग में इसका सिर वगैरह धुलाना, तो कल जल्दी ये सब काम कर लूँगी। और मैं क्या कह रही थी, कल हम लोग गए थे वहाँ मेले में, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी हमने, और जो भी की थी वो हमने आपको दिखा दी थी कल के व्लॉग में। और फिर से सोच रहे थे जाने का, बट अब मुझे नहीं लगता अब हम जाएंगे, अब हमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कल इसकी क्लास है, फिर परसों भी इसकी क्लास है, तो परसों तो हम लोग को मैंने बोला था ना हॉस्पिटल जाना है 2-3 पता करने के लिए पैकेज का, तो वहाँ जाएंगे, और एक और जगह जाना है फिर वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग, देन इस फिर हम लोग मेले में नहीं जाएंगे। और अब ऐसे भी कुछ है नहीं वहाँ पे, इतना हम लोग जाके आ चुके हैं, कुछ खास नहीं है आइटम्स, तो हम बस एक बार जाना था, एक बार जाए, कवर्स लेने थे, फ़ोन मोबाइल कवर, तो वो हम लोग लेके आ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग खा लेते हैं खाना, देन आपसे मिलते थोड़ी देर के बाद।
सो गाइस, आज दिया रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए। हम लोग दोपहर में नहीं सोए थे, हम लोग गए थे राउंड लगाने, मैं टीवी देख रही थी। उसके बाद अभी हम लोग दिया के लिए क्या लेके आए, पोनी टेल। पोनी टेल नहीं बस, आज मैंने इसको जानबूझ के नहीं सुलाया है ताकि इसको रात को जल्दी सुला दूँ। पोनी टेल बोलते हैं, बता पोनी टेल बोलते हैं इनको, ठीक है। चलो लेट्स गो, चलो चलो चलो, जल्दी देर हो रही है। चलो गाइस, अब बज रहे हैं पूरे पूरे 5, तो उसको छोड़ के आती हूँ। उसके बाबा मीटिंग कर रहे हैं, चलो बाबा मीटिंग करें, मैं छोड़ के आऊँ। चलो सो गाइस, आज फिर मैं जा रही हूँ दिया को ट्यूशन से लेने के लिए, इसके पापा फ्री नहीं है। चलो लेकर आते हैं उसको ट्यूशन से। मैं ले आई दिया को ट्यूशन से, है ना दिया। ए दिया, हाय कर दे। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। चलो, आज पता मैं मास्क ही नहीं पहन के गई। देखो मैं दिया को लेने गई और मैं मास्क ही नहीं लगा के गई। है तो पास नहीं, घर सामने ही है, बस तो मास्क लगा के जाना जरूरी होता है, मैं लगा के नहीं गई। सो गाइस, दिया ट्यूशन से आ गई है, उसको भूख लगी है, तो हम मैं बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मैगी, तो वो भी खा लेगी। मेरे को भी थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे ना मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है, एडिट होके अभी लाइव करना है मेरे को, तो 7 बज चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा ब्लॉग मेरा आते आते। टूट गया। सो गाइज, हम ये अभी हम लोग गए थे बाहर थोड़ा सा सामान लेने, टिश्यू वगैरह, हाँ टिश्यू वगैरह लेने, और मेरी एक चप्पल लेने के लिए, क्योंकि घर में ना मेरे को थोड़ा सा, एक मेरी पुरानी चप्पल है वो थोड़ा स्लिप होती है, तो स्लिप वाली मुझे नहीं चाहिए, इसलिए जो स्लिप ना हो वो वाली चप्पल। और फ्रूट लेके आए थे क्योंकि फ्रूट सारा ख़त्म हो गया घर में। साथ में लाई थी मक्की, मुझे बॉईल करके खाने का बहुत मन है, दिया भी खाएगी मैं भी खा लूँगी। सो मक्की लाए थे, और या फ्रूट्स में बनाना और स्टार फ्रूट है इसके अंदर, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है तो इसको बोलते स्टार फ्रूट। तो ये वाला लाए थे, ऑरेंज लाए थे, ऑरेंज जूस निकालने के लिए लेके आई थी, और ये सीताफल थोड़े से, क्योंकि इसके पापा तो सीताफल बिल्कुल नहीं खाते, तो मैंने मेरे लिए सिर्फ 4 ही पीस लिए। और इसके लिए लाए हैं बैलून का पैकेट। कहाँ है बैलून? देखो अब कैसे करेंगे। वो वहाँ रखा हुआ पूरा पैकेट, अब इसको फुलाने आ गए, पहले इसको आते नहीं थे। तो अभी 8:30 बज गए हैं, मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि ना प्याज ही नहीं था घर में, प्याज नहीं था, टमाटर नहीं था, मैं इनको 2 दिन से बोल रही हूँ। तो अभी मैं उतरी नहीं क्योंकि लेने तो मतलब गए थे सब्जी, मुझे उतरना पड़ता, फिर गाड़ी भी चढ़ना पड़ता, तो ये मेरे को सीधा छोड़ के घर पे अभी गए हैं प्याज लाने, तो मैं कढ़ी बनाऊंगी अभी। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ खाना, देन फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। और मेरी हालत देखो, बाहर जाने से ना ऐसी हो जाती है। जिसका गिरेगा वो आउट हो जाएगा। किसका गिरेगा पहले? किसका गिरा? गिर गया दिया का? गिरा तो नहीं ना उसका, दिया बीच में आओ सेंटर में। गिराया उसने, नहीं पकड़ ले, कैच कर लेती, गिराती नहीं है।
गेम तब तक चलेगा जब तक जिसका गिरेगा नहीं। गिर गया दिया का? कैच कर लेती है वो, गिराती नहीं है। अभी फिलहाल मेरा खाना भी साथ साथ में बन रहा है और इनका गेम भी चल रहा है। बच गया, कैच कर लिया इसने। चलो सारे दोनों विनर, किसी का ही नहीं गिरा, बहुत देर हो चुकी है। चलो दोनों विनर। क्या लाया पापा? सो गाइस, हम लोगों ने खाना खा लिया, ये सो गई थी, मतलब सुलाने के लिए इसको बेड पे डाला ही था। कि पापा लेके आए आइसक्रीम बर्फ़ वाली, और मैंने ना अभी थोड़ा घर क्लीन किया है, मीन्स कि थोड़ा सेट करके रखा है। बस सुबह एक गद्दा अभी उठा के ऊपर रख दूँगी, मतलब ये रख देंगे, चादर वादर निकाल, सुबह जल्दी उठ के मशीन वगैरह लगानी है। तो पूरा घर फैला हुआ था अभी, तो मैं देख रही हूँ अपना बिग बॉस। खाना हम लोगों का खाना हो गया है, और बस ज़्यादा कुछ तो आज कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा अभी बाहर गए थे, चप्पल वगैरह लेके आनी थी, स्लीपर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह और सब्जी वगैरह, तो बस वो ही लेकर आए। और आई होप कि गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।